नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष और आप सभी का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, हाल ही के दिनों में मेरे चैनल पे जो नए सब्सक्राइबर्स या दर्शक जुड़े हैं, उनमें से ज्यादातर लोग सोनी टीवी पर आने वाला धारावाहिक पुण्य श्लोक अहिल्याबाई देखते हैं। और आप में ऐसे ही दर्शकों ने मुझसे यह मांग की मैसेज एवं कमेंट के द्वारा कि इस सीरियल में जो राघोबा दादा या राघोबा पेशवा की एंट्री हुई है, इनके विषय में आप कुछ बताइए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं के ऊपर। दोस्तों, राघोबा दादा जो थे, यह मराठा साम्राज्य के एक बहुत ही शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी एवं साहसी सेनापति थे। इन्होंने मराठा साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। परंतु अपने निजी स्वार्थ के कारण इन्होंने कुछ ऐसे कृत्य भी करे थे जिसके कारण लोग इनसे घृणा भी करते हैं, जिसे अपने ही राजा के खिलाफ विद्रोह कर देना, अपने सगे संबंधियों की हत्या तक करवाना, और एक बार तो इन्होंने मातोश्री अहिल्या देवी के साम्राज्य को हड़पना भी चाहा। तो दोस्तों, जो राघोबा दादा थे, यह श्रीमंत पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, जो कि अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। ऐसे बाजीराव पेशवा के यह पुत्र थे राघोबा दादा। और जब बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो जाती है, तब राघोबा दादा के भाई यानी कि पेशवा बाजीराव के एक अन्य पुत्र नाना साहेब पेशवा बनते हैं। और यहीं से शुरू होता है मराठा साम्राज्य का अपनी सीमाओं तक फैलाव। दोस्तों, नाना साहब पेशवा बन जाते हैं तो जो सेनापति बनते हैं वो राघोबा दादा ही थे। और उत्तर भारत की मुहिम जो कि 1950 के दशक में शुरू होती है, और एक के बाद एक जो मुहिम चलती है, उसमें जो राघोबा दादा रहते हैं वह अन्य मराठा सरदार और सूबेदार जैसे कि श्रीमंत मल्हारराव होलकर और सिंधिया बंधु जो थे उस समय, और बड़ौदा के गायकवाड़, धार के पवार और अन्य भी कई मराठा सरदार जो कि मराठा साम्राज्य में अपना योगदान देते थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने उत्तर भारत की मुहिम शुरू की थी। तो सबसे पहले तो इन्होंने दिल्ली जो था उस पर कब्जा करते हैं, और दिल्ली के जो बादशाह रहता है उसको हटाते हैं और उसकी जगह अपना एक पपेट या फिर कठपुतली बादशाह, जिसे आलमगीर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, उसको बिठा देते हैं और यह मुगलों के संरक्षक बन जाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद बारी आती है सरहिंद का क्षेत्र जो रहता है, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं, यानी कि भारतीय जो सीमा थी पाकिस्तान बनने से पहले, जहाँ से अफगानिस्तान चालू होता है, यानी कि पंजाब के और जो सिंध के आगे जो पश्चिम का इलाका है जिसे हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं, यहाँ से अफगानों के आक्रमण उस समय चालू हो गए थे। जैसे कि हम अहमद शाह अब्दाली को तो जानते ही है, जिसने रेड करी थी पंजाब में और वहाँ पे खून, इतना खून बहाया था, इतनी लूटपाट करी थी कि वहाँ के जो एक सूफी संत थे बुल्ले शाह, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के बारे में यही तक कहा था कि खादा पींदा लाहेदा ते बाकी अहमद शाहेदा, यानी कि तुमने जो खा पी लिया वह तो तुम्हारा है, परंतु जो भी तुम्हारे घर पे सामान है वह अहमद शाह अब्दाली आएगा और लूट के ले जाएगा। तो जब उत्तर भारत की स्थिति ऐसी थी, तो तब राघोबा दादा की सेनाओं जो कि मराठा सेना थी, उसने वहाँ के जो सिख मर्सिनरी थे, अभी जो सिख की जो सेना थी वह एकजुट नहीं हो पाई थी, जिसे बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने एकजुट करा था, पर अभी सिख के कुछ छोटे मोटे सेनाएं हुआ करती थी, जिसमें जस्सा सिंह आलूवालिया और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पे सिख सरदार थे, उनके सहयोग से अब मराठा और सिख सेना एकजुट हो जाती है और वह अफगानों के ऊपर हमला करती है और लगातार एक के बाद एक अफगानों को खदेड़ देती है भारत की सीमा से परे। तो इसी मुहिम में मराठों ने लाहौर को जीता, पेशावर को जीता, डेरा गाजी खान को जीता और सबसे एंड पॉइंट अटक तक जीत लिया था। अब मराठों का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था कटक और सबसे उत्तरी बिंदु था अटक, तो उस समय कहा जाता था कि मराठों का जो साम्राज्य है वह अटक से लेके कटक तक है। हालांकि इस मुहिम में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, होलकर, सिंधिया और अन्य मराठा सरदारों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, परंतु जो लीड कर रहे थे वह राघोबा दादा ही सेनापति थे और वही जो निर्देश, दिशा निर्देश थे, वही सब दे रहे थे। तो दोस्तों, जब अफगानों की इस तरह से एक के बाद एक हार होती जाती है, तो अब वो रिटेलिएट तो करेंगे ही, तो अहमद शाह अब्दाली इस बार पूरी तैयारी के साथ आता है और उसको बुलाता कौन है, नजीब खान। नजीब खान वही है जिसके सहयोग से पहले दिल्ली में जो
बादशाह बैठा था उसको मराठे हराते हैं और उसको नजर बनियन के गिरफ्तार भी कर देते हैं कुछ समय के लिए। परंतु वही नजीब खान बुलाता है अब्दाली को फिर से मदद करने के लिए और अपने हिसाब से भारत की सत्ता में परिवर्तन करने के लिए। तो इस बार अहमद शाह अब्दाली जब आता है तो वो 60,000 की विशाल सेना लेकर आता है, जिसके मुकाबले अगर भारत में कोई लड़ सकता था तो वह सिर्फ मराठे ही लड़ सकते थे। तो दोस्तों जो परिस्थिति थी वह उस समय थी, पर इस समय जो नाना साहब पेशवा थे वह एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। लोगों का ऐसा कहना है वह राघोबा दादा को नहीं भेजते हैं इस मुहिम पर, बल्कि उनकी जगह सदाशिव भाऊ को भेजते हैं। हालांकि सदाशिव भाऊ भी अच्छे थे, वह वैसे तो दीवान का काम करते थे, परंतु उन्होंने दक्कन में बहुत अच्छी मुहिम में निजाम को हराया भी था। तो पता नहीं नाना साहब पेशवा उन्हें भेजते हैं जबकि उन्हें उत्तर भारत का अनुभव नहीं था, और उनके मुकाबले राघोबा दादा तो उत्तर भारत की नस नस से वाकिफ थे, उन्हें उत्तर भारत का बहुत ज्यादा अनुभव था। तो इसी कारण मराठों की उत्तर भारत में हार भी होती है और पानीपत का जब तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, उसमें मराठों का सहयोग कोई भी नहीं देता है। तो यह युद्ध दुर्रानी एम्पायर वर्सेस मराठा एम्पायर होता है, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली अफगानों की तरफ से और दूसरी तरफ से सदाशिव राव भाऊ। तो इसमें मराठों की हार होती है और इसी गम में जो नाना साहेब पेशवा थे उनका भी निधन हो जाता है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि राघोबा पेशवा तो इतने वीर शक्तिशाली थे, फिर उनके खिलाफ इस तरह की जो घृणा की बातें हैं यह लोगों में क्यों है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत तभी होती है कि जब नाना साहब पेशवा की मृत्यु के उपरांत राघोबा दादा को लगता है कि अब मुझे पेशवा बनाया जाएगा, परंतु उन्हें पेशवा ना बनाकर नाना साहेब के जो पुत्र थे माधव राव उन्हें पेशवा बनाया जाता है। हालांकि उनकी उम्र काफी कम होती है तो उनके रिजेंट यानी कि जो राज प्रतिनिधि के तौर पे राघोबा दादा को ही बिठाया जाता है, यानी कि जो महत्वपूर्ण निर्णय होगा जो जो पेशवा माधवराव को समझाइश देंगे वह राघोबा दादा ही देंगे। तो एक तरफ से आप यही समझ लिए कि शुरुआती दिनों में राघोबा दादा ही एक तरह से पेशवा थे। अब इस समय मालवा में क्या हो रहा था? तो दोस्तों इस समय जो मालवा का होलकर परिवार था उसे दुख के बादल चारों ओर से घेरे हुए थे। क्यों? क्योंकि सूबेदार मल्हार राव होलकर जी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके बाद मातोश्री अहिल्याबाई के इकलौते पुत्र माले राव की भी मृत्यु हो गई थी। अब शासन की बागडोर एक विधवा महिला, दोस्तों उस समय महिलाओं को काफी ऐसा नहीं समझा जाता था कि वह शासन कर पाएंगी। हालांकि मराठा साम्राज्य में पहले ताराबाई यह सिद्ध कर चुकी थी कि एक महिला भी अच्छे से शासन कर चुकी है, परंतु फिर भी सामाजिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि एक विडो महिला को लोग समझते थे कि यह तो कमजोर है, अबला है। तो महारानी अहिल्या देवी होलकर के राज्य का ही जो मंत्री था गंगाधर तात्या, जिसे गंगोबा तात्या भी कहते हैं, वह राघोबा दादा को यह एक संदेश भिजवाते हैं कि देखिए श्रीमंत, अभी जो महारानी अहिल्याबाई है यह काफी कमजोर है, आप इनके ऊपर हमला कीजिए और हम मिलकर इनके राज्य को हड़प लेते हैं, इनके पास काफी संपत्ति है जिसकी अभी आपको आवश्यकता है। गंगोबा तात्या ये भी जानते थे कि अभी माधवराव पेशवा और जो राघोबा दादा इनके बीच थोड़ी अनबन है, तो वह इस मुहिम के लिए तैयार हो जाएंगे। वो राघोबा तैयार भी हो जाते हैं और वह अहिल्याबाई के राज्य को हड़पने के लिए निकल भी पड़ते हैं। और दोस्तों यहीं पे आप अहिल्याबाई की कूटनीति और बुद्धिमत्ता को देखिएगा। अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य के जितने भी पावर सेंटर्स थे जैसे कि सिंधिया, गायकवाड़, छत्रपति महाराज एवं माधवराव पेशवा को भी पत्र भेजती है कि देखिए हम मराठा साम्राज्य के प्रति निष्ठावान हैं और यह राघोबा दादा हमारे ऊपर आकर आक्रमण कर रहे हैं, तो इसमें आप इनको रोकिए और हमारा सहयोग कीजिए। तो महादजी शिंदे भी राघोबा दादा को समझाते हैं कि आप इन पे आक्रमण मत कीजिए। माधवराव पेशवा भी उनसे यही कहते हैं, पर राघोबा दादा किसी की भी नहीं सुनते और वह युद्ध के लिए आने लगते हैं। अब यहाँ पर अहिल्याबाई एक और बहुत ही शानदार कूटनीति और कदम चलती है। मातोश्री अहिल्याबाई युद्ध के लिए स्वयं तैयार हो जाती है और अपने साथ महिलाओं की एक सेना भी तैयार करती है और राघोबा दादा को पत्र लिखती है कि सुनिए राघोबा दादा, आप मुझे अबला समझते होंगे, परंतु मैं किस तरह की अबला हूँ ये तो मैं आपको रण क्षेत्र में ही बताऊंगी। आपसे लड़ने के लिए मैंने एक महिलाओं की सेना भी तैयार करी है, यदि मेरी सेना लड़ते हुए आपसे हार गई तो भी मेरी कोई जगह सही नहीं होगी, लोग उल्टा मेरी तारीफ ही करेंगे कि वाह एक महिला होकर आप इतनी बहादुरी से लड़ी।
परंतु सोचिए राघोबा, यदि आप हार गए तो आपकी कितनी जगहसाई और कितनी बदनामी होगी कि एक पुरुष होकर आप एक स्त्री के सेना से हार गए। तो राघोबा दादा को जब यह पत्र मिलता है तो वो बड़े सकपका जाते हैं, बोले अब क्या किया जाए, ये तो बड़ी विकराल स्थिति हो गई, क्योंकि अपना कोई साथ भी नहीं दे रहा है और यदि इनसे हार गए मातोश्री से तो अपनी तो बड़ी जगहसाई हो जाएगी। तो वह मालवा पर आक्रमण का जो प्लान है उसको टाल देते हैं और कहते हैं कि मैं तो मालेराव की मृत्यु पे आपसे शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आया था। अब दोस्तों वहीं दूसरी ओर राघोबा दादा माधवराव पेशवा के खिलाफ खुला विद्रोह कर देते और उसके लिए वो सहयोग मांगते हैं हैदराबाद के निजाम से। परंतु माधवराव पेशवा भी बहुत काबिल व्यक्ति थे, बहुत ही होनहार व्यक्ति थे, उन्हें एक बहुत अच्छा पेशवा माना जाता है इतिहास में। और वह जब युद्ध होता है हैदराबाद के निजाम और राघोबा की सेना और दूसरी तरफ माधवराव पेशवा की, तो माधवराव पेशवा की सेनाएं उन्हें हरा देती हैं और जो राघोबा दादा रहते हैं उनको नजरबंद कर दिया जाता है। परंतु दोस्तों ये मराठा साम्राज्य का दुर्भाग्य ही था कि इतने अच्छे पेशवा जो थे माधवराव पेशवा, जिनकी तारीफ अहिल्याबाई होलकर भी किया करती थी, उनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है। लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यदि माधवराव पेशवा दीर्घायु होते तो अंग्रेज भारत पे इतनी जल्दी कब्जा नहीं कर पाते। फिर दोस्तों माधवराव पेशवा जी की मृत्यु के बाद पेशवा बनाया जाता है उनके छोटे भाई यानी कि राघोबा दादा के भतीजे नारायण राव को। अब राघोबा दादा को नजरबंद जो उनको किया जाता है, उन्हें वापस महल में बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब आप निष्ठापूर्वक इनके रीजेंट बनिए। यानी कि पहले तो माधवराव जब छोटे थे उनके राज प्रतिनिधि बनते हैं, अब माधवराव के बाद वह जो नारायण राव नए पेशवा बने हैं वो भी काफी छोटे होते हैं, फिर वह उनके राघोबा उनके रीजेंट यानी कि राज प्रतिनिधि बनते हैं। पर अब तो राघोबा दादा कैसे भी करके पेशवा बनना चाहते हैं, इसके लिए चाहे कितना भी गिरे से गिरा काम उन्हें करना पड़े। तो दोस्तों होता क्या है, पेशवा का जो महल था शनिवारवाड़ा, यहाँ पर जितने भी पेशवा की जो फैमिली थी पूरी, ये जो भट्ट फैमिली थी, ये रहा करती थी और इसी महल के रक्षक जो कि निगरानी करते थे महल की, उनके द्वारा पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी जाती है और सारा इल्ज़ाम आता है राघोबा दादा को। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब वह हत्यारे नारायण राव पेशवा को मारने आए थे तब वह अपने काका यानी कि राघोबा की गोदी में ही चले गए थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, काका माला वासवा, यानी कि काका आप मुझे बचाइए। राघोबा दादा के सामने ही नारायण राव की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों इसके पीछे यह भी कहा जाता है कि राघोबा दादा ने तो सिर्फ जो नारायण राव पेशवा थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, परंतु यहाँ पर जो राघोबा दादा की पत्नी थी आनंदीबाई, जिन्हें भी मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक विलन के तौर पे देखा जाता है, उन्होंने वहाँ पे जो गिरफ्तार शब्द था उसको ऐसा परिवर्तित कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनकी मारने का आदेश, गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो अब जो भी सच्चाई है वो तो भगवान ही जानता है, हालांकि इतिहासकारों ने इसके बारे में ऐसा कुछ लिखा है, ऐसी कुछ कहानियां जरूर बताई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से राघोबा दादा उर्फ रघुनाथ राव भट्ट कुछ समय के लिए पेशवा बन जाते हैं, परंतु उनका यह जो पेशवाई है ज्यादा समय तक नहीं चलती, क्योंकि नाना फडणवीस नाम के मराठा साम्राज्य के प्रति एक वफादार मंत्री वहां पर मौजूद रहते हैं और वह बनाते हैं संगठन जिन्हें हम बारह भाई कारस्थान भी कहते हैं। में मराठा साम्राज्य के अन्य जो शक्तिशाली व्यक्ति थे जैसे कि महादजी शिंदे या सिंधिया और तुकोजी होलकर एवं अन्य मंत्रीगण जो कि पेशवा के हितेशी थे, उनको एकत्रित करके वह नाना फडणवीस एक और अन्य 11 लोग इस तरह के मिलके यह बारह भाई जो कारस्थान था, एक मंडल था, उसका निर्माण करते हैं। अब इसमें मुकदमा चलाया जाता है रघुनाथ राव के खिलाफ और उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है और यहाँ पे बारह भाई और राघोबा पेशवा के मध्य युद्ध भी होता है जिसमें वह हार जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। वह वहाँ से भागकर खंबात चले जाते हैं और फिर वह अंग्रेजों से सहायता करते हैं। शुरुआत में तो अंग्रेज मना कर देते हैं परंतु बाद में वह राघोबा के साथ संधि कर लेते हैं जिसमें राघोबा कुछ जमीन का हिस्सा शासन करने के लिए अंग्रेजों को देते हैं, बदले में उनसे और अंग्रेज प्रोटेक्शन उन्हें राघोबा को प्रदान करते हैं।
परंतु जब 12 भाई को यह बात पता चलती है तो वो अंग्रेजों के पास जाते हैं और अंग्रेजों से कहते हैं कि आप राघोबा को सहयोग मत कीजिए। बदले में अंग्रेज उनसे कहते हैं ठीक है, हम राघोबा को सहयोग नहीं करेंगे, परंतु आपको भी जो फ्रेंच व्यापारी जो भारत में आ रहे हैं जो कि अंग्रेजों के दुश्मन थे, आप उनको सहयोग देना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से सन 1776 की एक पुरंदर की संधि होती है जो कि 12 भाई और अंग्रेजों के बीच होती है। अब इसके बाद राघोबा पेशवा काफ़ी अपमानित महसूस करते हैं और वह गुजरात के सूरत में होते हैं, फिर वहाँ से वह कोपरगांव चले जाते हैं और इसी तरह कुछ वो पुर्तगालियों से फिर मदद मांगते हैं और फिर विद्रोह करने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं होती है और इसी तरह बदनामी गुमनामी में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों राघोबा दादा ने ये जो अंग्रेजों से हाथ मिलाया था ना, इतिहासकारों का कहना है कि यहीं से मराठा साम्राज्य के पतन की नींव उन्होंने डाल दी थी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंग्रेज शायद बहुत मुश्किल से भारत पर कब्जा कर पाते या फिर शायद कर भी नहीं पाते, क्योंकि बाद में फिर इन्हीं के उदाहरण को देखकर मराठा साम्राज्य कन्फेडरेसी जो उसके अन्य राजा थे जैसे कि सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, यह सब भी धीरे धीरे अंग्रेजों की सहयोग लेने लगते हैं और उनके साथ एक के बाद एक संधियां करते हैं और धीरे धीरे सन 1818 में जैसे कि यशवंतराव होलकर और उनके जो वंशज रहते हैं जैसे तुलसाबाई होलकर, जब यह युद्ध हार जाते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, तो इसके साथ ही पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन कायम हो जाता है। दोस्तों ऐसे थे हमारे राघोबा पेशवा, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई, विस्तार से तो और बता सकता हूँ परंतु आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।